हो गया। हरि बोल। सर्वप्रथम हरि गुरुदेव नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद स्तोत्र श्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद स्तोत्र श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्त वृंद को चरण देखा देखे प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। यदि जो ग्रंथ है ये ग्रंथ का श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद गाइए उपदेशा मिलता है। इनको भक्तों ने अलग अलग समय पर उन्होंने अलग अलग उन्होंने प्रश्न किया है, तो उन्होंने प्रश्न का जो उत्तर दिया है कभी ये ग्रंथ है। अगर ये ग्रंथ को हम सुनेंगे, अगर जीवन में अपना जीवन में आचरण में लाएंगे तो एक दिन हम क्या कर सकते हैं, भगवान तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि ये प्रभुपाद राधा रानी की ये नयन मणि मंजरी और राधा रानी के आदेश से इस जगत में आए हैं हम सब बद्ध जीवों को ऊपर में कृपा करने के लिए और हम लोगों को अपना घर में ले जाने के लिए ठाकुर प्रभुपाद आए हैं। इसलिए ये एक पियन है कि गोलोक वृंदावन से राधा रानी का जो खबर को इस जगत में पहुंचाने के लिए आए हैं। अगर इसको सुनेंगे तो हम जरूर भगवान को प्राप्त करेंगे। आज हम इनकी एक उपदेश को हम सुनेंगे। किसी भक्त ने इनके प्रश्न किया है कि हम लोगों का भगवत अनुभूति क्यों नहीं हो रही। हमारी जो मूल उद्देश्य भजन में एक दिन हमें संसार का माया हट जाए और एक दिन भगवान की हमें अनुभूति हो। अनुभूति हो मतलब भगवान जगत में है, कितना उनकी इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलता है, हैं? इसलिए सचमुच से भगवान की हमें अनुभूति हो, भगवान है और उनको इच्छा से ही जगत में सब कुछ हो रहा है, हैं? कहते और हमें एक दिन ये पता चले भगवान कौन है, उनकी भक्ति क्यों करनी चाहिए, भक्ति करने से क्या होता है, हो गया जरूरत निकल जाए। इसलिए ये हमें अनुभूति होनी चाहिए। बैठ जाओ चुपचाप। हाँ नीचे जरूरत नहीं। हरे कृष्ण हरि बोल। बैठ जाओ, 10 मिनट बैठ जाओ, घर बोल नीचे का काम छोड़कर आ जाओ, ऊपर जिंदगी भर का काम करो। हरे कृष्ण। देखो उन्होंने क्या उत्तर देते हैं, कहते भगवत सेवक भगवान और भक्त संग वो सेवा अनुकरण ना कर ले कि करी भगवत अनुभूति होगी। कहते भगवत अनुभूति कब होगा, कहते जिस समय कहते जो भगवत सेवक है, हैं? कहते ये जीव कौन है, कहते जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम भगवान का नित्य ही उनकी दास है। जब हम उनकी नित्य दास है हमारा क्या कर्तव्य है, तो उनको नित्य सेवा करनी चाहिए, हैं? हर समय उनकी सेवा करनी चाहिए हम लोगों को। इसलिए अभी भगवत सेवा उसको साथ साथ में और क्या करनी चाहिए, मतलब भक्तों का संग करनी चाहिए, भक्तों का संग करनी चाहिए। क्योंकि भक्तिस्तु भगवत भक्त संगी न परिजाया, कहते ना जिसका संग करोगे वैसे ही रंग बदलेगा, हैं? जैसे संगत में बैठोगे धीरे 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 उसकी जैसे स्पर्श मणि को लोहे में स्पर्श कराओ तो उसको भी ये सोना बना देती है, उसी तरह जब हम भक्तों का संग करेंगे धीरे धीरे क्या होगा, भक्तों का जो स्वभाव धीरे धीरे हमारी साथ में आने लग जाएगा। और क्या करनी चाहिए, भक्त संग और उनकी भक्तों को सेवा भी हर समय करनी चाहिए। करने से क्या होगा, धीरे 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 हमारे हृदय में भगवत अनुभूति होने लग जाएगा। इसलिए हम जब संग कर किसी व्यक्ति को फिर हमें सावधान से संग करनी चाहिए, हैं? हमको सावधान से संग करनी चाहिए, हमको ये देखनी चाहिए ऐसे नहीं किसकी संग करते 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 हम उसके साथ में डूबते नहीं जा रहे। और दूसरी बात है जब हम कोई उपयुक्त नहीं हो ना, हम अगर किसको संग दे करके भक्ति में उठाने के लिए अगर हम उपयुक्त नहीं हो ना, क्या होता है उसकी संग करते करते हमारा स्वभाव भी
हम उनको उठाएंगे कि हम धीरे धीरे नीचे उतरने शुरू हो जाते हैं। हम धीरे धीरे क्या होता है, हम धीरे धीरे खुद ऊपर उठाने का परिवर्तन में उसकी स्वभाव में धीरे 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 हम भी धीरे धीरे उसके पास में ढलने लग जाते हैं। इसलिए इस विषय पर हमें बहुत सावधानी रहनी चाहिए। हम दूसरों को कल्याण करने के लिए उसको साथ में, हम तो डूबते नहीं जा रहे हैं, उसको साथ में हमारी आसक्ति होते नहीं जा रहे हैं, उसको साथ में धीरे धीरे अपना स्वभाव को छोड़ करके धीरे धीरे उसकी स्वभाव में तो नहीं आ रहा है। ये विषय में बहुत हमें विचार करनी चाहिए। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे कोई पानी में डूब रहा है, पानी में कोई डूब रहा है, अगर उसको कौन निकाल सकता है, जो तैरना अच्छे तरीके से जानते हैं वो निकाल सकते हैं। अगर तुम तैरना नहीं आता है, तुम छलांग लगा दिया पानी में, फिर क्या होगा, वो तो डूब गया, उसके साथ में तुम भी डूब करके उसमें भी डूब जाओगे, तुम भी निकल नहीं पाओगे। इसलिए हमें बड़ी सावधान सहकार में जब हम संगत इसको करेंगे, हमें बहुत सावधान के सहकार हमें संगत करनी चाहिए, बहुत अच्छे तरह से विचार करें। नहीं तो क्या होगा, दूसरों को कल्याण करने के लिए दूसरा का साथ कल्याण क्या करूँ, तुम खुद ही उसमें डूब करके मर जाओ। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं क्या करनी चाहिए हर समय। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हमें कैसे संग करनी चाहिए, वही बताए। पहले कम से कम तुम्हारी जितनी ने अधिकार उससे नीचे व्यक्ति का संग मत कर। तुम जितने तुम्हारी भक्ति में अधिक है, तुमसे नीचे व्यक्ति का संग मत किया करो। तुम उसका संग करोगे तो क्या होगा, धीरे 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 तुम भी धीरे धीरे डूबने लग जाओ। कम से कम कोशिश करो तुमसे जो उच्चा भावना है, तुमसे उनका संग करो। उनका संग करोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे उसकी स्वभाव चरित्र उसको देख करके तुम भी धीरे 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 ऊपर उठ जाओ। नहीं तो कम से कम अपना बराबर का संग करो, तुमसे नीचे व्यक्ति का संग मत किया करो। नीचे व्यक्ति का संपर्क तो तुम धीरे 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 नीचे डूबने धीरे धीरे चले जाओ। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जब हम भक्तों का संग करेंगे, उच्चे भक्तों का संग, धीरे धीरे उसके स्वभाव, उनकी आचरण, उनकी भजन परिपाटी क्या होगा, धीरे 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 हमारे साथ हमारे अंदर में भी वो धीरे 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 हमारे अंदर में भी आते जाएगा। तभी फिर क्या करनी चाहिए, भक्तों का संग करनी चाहिए। भक्तों का संग करोगे तो, और उनको साथ साथ में भक्तों का सेवा भी करने के लिए कह रहे हैं। जब भक्तों का हम सेवा करेंगे फिर क्या होगा, फिर धीरे धीरे हमारा संस्कार धीरे धीरे बनेगा। भक्त संस्कार बनेगा, फिर संस्कार बनेगा तो धीरे 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 क्या होगा, हमारी भक्ति भावना भी धीरे धीरे उच्चा, हमारी भक्ति भावना भी धीरे धीरे उच्चा होती जाएगी। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, कहते भक्त संग कैसे करनी चाहिए, बोले थोड़ी समय के लिए नहीं, हर समय, बोले अनुच्चार, बोले हर समय भक्तों का संग करते रहो, हर समय भक्तों का संग हर समय करते रहो। अगर भक्त जब छूट जाएगी ना, इसलिए उनने दो उदाहरण देकर समझाया। आप लोगों ने देखे होंगे जैसे छोटा कोई पौधा हो ना, जैसे कोई छोटा पौधा अगर कहीं लगाया मिट्टी में, पहले तो रोज रोज आपको पानी देना पड़ेगा। पानी नहीं देगा तो क्या होगा, वो पेड़ तुम्हारी सूख जाएगी, पेड़ तुम्हारी सूख जाएगी धीरे धीरे। तो लेकिन ऐसे कुछ पेड़ है जब धीरे धीरे पानी देते 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 उसका जड़ बहुत नीचे चला गया और पेड़ बड़ा हो गया, देखना वो पेड़ में कोई पानी फिर नहीं देते हैं, पानी देते हैं उसमें नहीं देते। वो क्या करता है, वो अपने आप पानी को नीचे से स्वयं अपने आप पानी को ले लेता है। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, जब तक हम स्वयं होनहार नहीं हो जाए, ऐसे नहीं हम किसी को बचाने के लिए जाकर खुद डूब जाए, हम स्वयं डूब गए, किसी को बचाने के लिए गए, भक्ति कराने के लिए, भक्ति कराने के उसको साथ में फंस गई माया में। ये सब चीज को हमें बहुत सावधान रहनी चाहिए, भक्ति जगत में बहुत सावधानी रहनी चाहिए, बहुत सावधानी रहनी चाहिए। इसलिए हमारे ऐसे कुछ कुछ ब्रह्मचारी भी माया में फंस गए। गुरुदेव कहते थे मंदिर में कोई आए कार्तिक महीना में परिक्रमा लगाने के लिए, कार्तिक महीना ही करा परिक्रमा लगाने के लिए आए, बस उनने सेवा करना शुरू कर दी। सेवा करते करते वो जो एक थी और धीरे धीरे उसको फंसाने के लिए कोई कोई चीज देना शुरू कर दी, करते उसने कहा रही ये तो बड़ी सेवा करती है, ये तो बड़ी सेवा करती है। कभी जो माया है ना वो सुई बन करके घुसती है और जब निकलती है वो फाल बन करके निकलती है। फिर वो ब्रह्मचारी को पता नहीं चला, बोले सेवा की भावना है, लेकिन वो सेवा ऐसे नहीं कर रही थी, उसको फंसाने के लिए सेवा कर रही थी,
हैं, इसको कैसे हम फंसा दें। थोड़ी थोड़ी एक चीज देते देते ये सोचा सेवा कर रही है, करते करते संबंध होने लग गया। संबंध होते 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 बात को ब्रह्मचारी धीरे धीरे, गुरु जी पहले शासन किया, बोले ऐसे मत किया करो, लेकिन वो सुना ही नहीं गुरु जी का बात। एक दिन माया से घर वाल मंदिर मंदिर छोड़ छाड़ कर साधु जी का डर गया। इसलिए गुरुदेव कहते थे, देखो विश्वनाथ चंद्र ठाकुर कहते हैं, माया से सावधान रहो जो भजन करने के लिए आए हैं, वो तुमको पता नहीं चलेगा कब तुम फंस गए। गया उसको क्या भजन कराओगे, तुम्हारी भजन ही तुम्हारी भजन में उसमें चौपट हो जाएगी भक्ति भक्ति हैं। और हमारे भक्ति को मुझे संत गोस्वामी महाराज कभी हमारे गुरु हमारे मंदिर में आए। मैं गुरु से पूछा महाराज से, महाराज जी भजन कैसे होगा, हमारी भजन कैसे होगा। उन्होंने कहा एक ही बात होता है, बोले ज्यादा एक चीज में ध्यान दो, किसी लड़की की प्रेम में अगर तुम तो मंदिर में ब्रह्मचारी बनकर रहना चाहते हो, किसी लड़की को प्रेम में फंसना नहीं। नहीं फंसोगे तो कुछ होने का चांस है, अगर वहां फंस गया तो भजन भजन गया तुम्हारे, भजन भजन और तुम्हारे नहीं होगा। तो भजन माया की भजन करो, भगवान की भजन नहीं कर सकते, माया की भजन फिर करो। इसलिए भक्ति जगत में है पता नहीं कैसे माया किस रूप में आती है और किस रूप में जीव को फंसा कर ले जाती, जीव को पता नहीं चलता। लास्ट में देखा उसको क्या उधार पर खुद ही डूब गए। इसलिए पहले से ही इसलिए कहते रूप गोस्वामी को महाप्रभु कहते हैं, जब लता बढ़ती है ना चारों तरफ में क्या बाड़ लगा दो, बाड़ लगा दो, बकरी फकरी खा जाएगी, इसलिए उसको बाड़ लगा दो। इसका मतलब है पहले से ही सावधान हो जाओ। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं क्या करना, अनुक्षण भक्तों का संग्रह में अनुक्षण करनी चाहिए। मेरे गुरुदेव कहते थे तो देखो जब तक जी भजन साधन करते 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 थोड़ी सी उच्च स्थिति पर नहीं पहुंच जाते हैं ना, थोड़ी उच्च स्थिति पर, तो तब तक अच्छे तरह से वैष्णव का संग करते रहो हैं, वैष्णव का संग करते रहो हैं। ऐसे समय आए जैसे पेड़ होता है, छोटा पेड़ में तो रोज पानी देना पड़ता है, लेकिन बड़ा पेड़ में क्या करना पड़ता है, वो जब जड़ एकदम ज्यादा नीचे चली जाती है कैसे वो अपने आप क्या करता है, पानी को अपने आप पानी को ले लेती है अपने आप पानी को। इसलिए मेरे गुरु जी कहते थे ऐसे स्थिति होनी चाहिए जब तुम अपना साधन भजन को सही सही कर लो, कहीं भी रहो अपना जो संख्या पूर्वक नाम, संख्या पूर्वक कीर्तन, प्रणाम, स्तुति स्तव है, स्तुति स्तव इसको ठीक ठीक से इसको हमें कर लेनी चाहिए है, इसको हमें ठीक ठीक से हमें कर लेनी चाहिए कहीं भी रहे हैं। ऐसे नहीं जब मंदिर में रहे, जैसे मंगल आरती में उठना पड़ता है, मंगल आरती में उठना पड़ता, उठ गए और कीर्तन में बैठ गए, लेकिन जब बाहर गए वहां सोते रहे, मंगल आरती नहीं, अपना हरि नाम नहीं, कीर्तन नहीं, भजन साधन नहीं, कुछ नहीं, अरे कल्याण कैसे होगा, मंगल कैसे होगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं प्रभुपाद हर समय क्या करो, हर समय भक्तों का संग करते रहो, वैष्णव की सेवा करते रहो। अनुक्षण अगर हम करते रहेंगे धीरे 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 क्या होगा, हमारे हृदय की अनर्थ धीरे 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 अनर्थ ये नष्ट होते जाएगा, नष्ट होते जाएगा, और हृदय में भगवत अनुभूति धीरे धीरे होने लग जाएगी। कहते हमारा संसार की बात जागत की व्यापार में व्यस्त था के लिए जगदीश्वर सारा की करी पाबो। यहाँ पर कह रहे हैं अनुभूति हमारी क्यों नहीं हो रही, कारण क्या है। प्रभुपाद कहते हैं अगर हम लोग दिन भर केवल संसार की हैं, कहते ना गृह मेधी और गृह व्रत, मतलब गृह मेधी मतलब ये संसार, मेधी मतलब बुद्धि में, गृह व्रत मतलब घर को ही अपना बीवी बेटा नाती पति को ही ना अपना जीवन का व्रत बनाएंगे, और बुद्धि में बस केवल नमक नमक है कि नहीं, हल्दी है कि नहीं, आटा है कि नहीं, सब्जी है कि नहीं, सवेरे उठते ही बस उसी में ही जिसका दिमाग बेटा बेटी नाती पत्नी में जिनका दिमाग उसी में ही 24 घंटा उसी में ही, इसके सिवा कुछ नहीं जानता। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते अगर दिन भर तुम केवल संसारी का वस्तु को लेकर के दिन भर उसमें डूबे रहोगे हैं, जागृत का व्यापार को लेकर उसमें ही अगर व्यस्त रहोगे, बोले जगतेश्वर का सारा कैसे मिलेगा, मतलब भगवान की अनुभूति कैसे होगा। लेकिन जो भक्तों का जो घर होता है, जो भक्तों का घर दूसरे घर से परे है, क्योंकि भक्त सवेरे उठते ही सब्जी है कि नहीं निकली किसके लिए चिंता करता है, ठाकुर की भोग लगेगा, आटा है कि नहीं बोले क्यों ठाकुर को भोग लगेगा, नमक हल्दी है कि नहीं क्यों ठाकुर जी की सेवा में लगेगा। अगर जो भक्तों का घर जिस घर में प्रभु की भजन कीर्तन होता है, अगर वो अगर पैसा क्यों कमाते हैं ठाकुर को सेवा में लगेगा,
अगर हर चीज को अगर बीच में केंद्र करके, भगवान को बीच में रख करके अगर ये सब काम को करे तो फिर तो वो चीज सही है। अगर हर चीज होनी चाहिए यदि न गृहे भजन देखी गृह तो लोग, अगर हमारे घर में सबके सब भजन करे भक्ति करे कीर्तन करते वो घर ही वृंदावन धाम है। लेकिन अगर जिससे प्रभु की कोई संबंध नहीं, किस चीज में बस दिन भर पैसा कैसे कमाओ, अपना कैसे नमक हल्दी छीन और इसी में आटा में दिमाग को दिन भर उसी में डुबाते रहो, फिर कहते भगवान की सारा मतलब भगवान की आवाज को कैसे मिलेगा। इसलिए हर काम में जैसे गोपियां क्या करती थी, हर काम में भले ही घर में झाड़ू लगाती थी, कहाँ लगाती थी भले भगवान के मंदिर में, लेकिन झाड़ू तो लगाती थी हाथों में, लेकिन मुंह में क्या करती थी, बोले मुंह में गोविंद दामो धर माधवे ती, गोविंद दामो धर माधवे ती, गोविंद दामो धर माधवे ती, गोविंद दामो धर माधवे ती। हर काम में भगवान की सेवा के साथ में वो डूबी हुई थी। इसलिए इनका जो संसार कृष्ण का संसार, इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं अगर प्रभु की सेवाओं को छोड़ करके दिन भर ही माया के संसार में डूबे रहोगे, अब लोग भगवान की अनुभूति कैसे होगा, कैसे भगवत अनुभूति हो सकती, हो ही नहीं सकती। भगवत अनुभूति है वर्तमान में दुष्ट आसार बसवर्ती हुई हमारे एमन एकटा दुर्बुद्धि हुई है जे ये जगत संगे हमारे भारी काज पड़ी गई है। देखो प्रभुपाद क्या कहते हैं, अभी कहते दुष्ट कहते वर्तमान दुष्ट असार वसवर्ती है। अभी क्या हुआ, जी जो भगवान को भूल गया है, कृष्ण बहिर्मुख है भगवान सा करे निकटस्थ माया तारी जा पड़िया रहे। अभी जब भगवान से भूल भोग की इच्छा करने पर क्या हुआ, भगवान जो पूछे क्या करोगे बोलो, हम मथुरा मठ में ना कभी गए हो, मथुरा मठ में वहां पर गुरुदेव बहुत एक अच्छी उनने फोटो बनाया, कहते एक तरफ में तो माया के संसार, एक तरफ में भगवान के संसार। जिस तरफ माया के संसार उस तरह सुंदरी की लड़की खड़ी हुई, जिधर भगवान के संसार है उधर एक साधु खड़ा हुआ और एक बीच में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, और जिधर माया है दिखाया पूरा अंधकार और हिंस्र जंतु शेर बाघ भूत पिशाच, और जिधर साधु खड़ा हुआ वो प्रकाश प्रकाश, वो रोड सीधा जा रहे हैं भगवान तक ठाकुर तक, वो बीच में एक माया खड़ी हुई है, बीच में उस व्यक्ति खड़ा हुआ है और जिधर अंधकार उधर माया खड़ी हुई, इधर साधु खड़ी हुई। वो साधु बोलते हो इधर आ जा बेटा, देख रहे हो इस सीधा रोड गया भगवान का, और इधर जो माया खड़ी हुई देख रहे हो मैं कितनी सुंदरी हूँ बड़ी प्यारी हूँ, इधर आ जा तो इधर आ जा हैं देख मैं कितने सुंदर। वो कभी इधर जानता है कभी इधर जानता है, क्या करे इधर जाए ना इधर जाए। लेकिन हम जैसे व्यक्ति बद्ध जी भगवान की तरफ में नहीं गए, हम माया की तरफ में उसका चाकचिक्यण को देख करके ना सोचे शायद बड़ा सुंदर कोई चीज होगा। वो गुरुदेव उदाहरण देते थे जैसे सोने की कोई कलसी हो, लेकिन देखने के लिए तो ऊपर सोने का कलसी, लेकिन हाथ धुआना जहर सिवाय उसमें और कुछ है ही नहीं। हम लोग तो घर गृहस्थी करते होंगे देखते होंगे हैं क्या संसार में दुख कष्ट, संसार में कैसे एक दुख संसार में है। इसलिए कहते ना पहला दिन स्त्री रो लेती है, कहते पहला दिन मैं रो लिया सारा दिन तू लो रो, अभी मैं नहीं रोगा जिंदगी अभी तुम रो जाकर अभी मैं नहीं रहूंगी अभी। इसलिए माया देखने के लिए ऊपर से बड़ी सुंदरी प्यारी दिखती है बड़े मनमोहक है, लेकिन हम जैसे व्यक्ति है ना तो दिख रहा है डायरेक्ट रोड है ठाकुर को पास के नहीं, साधु की बात नहीं सुना। इसलिए भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं ना सुन दो साधुर कथा खाई लो आपन माथा, हमने भगवान की भक्त की बात नहीं सुनी भजन की नहीं सुनकर अपना सर को खाया। इसलिए बड़े हार बोलिया गलाए पड़ी लो समन किंकर साफ, श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते जिसको तुम हार मान करके गले में पहन रहे हो हार नहीं वो सांप है, एक दिन काट कर खा जाएगा तुमको हैं। वहां पर कहते हैं काठ बोलिया पल्ला हैं पल्ला, वहां पर कहते हैं तुमने जो 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 सोचा गन्ना है ना, गन्ना का चूसा तो क्या निकलता है जूस निकलेगा, लेकिन तुमने गन्ना सोच करके ना काट को चूस रहे हो,
उसमें से काट में से रस निकला। भैया काट में कोई रस नहीं है, रस तो गन्ने में है, रस में। इसलिए पलाश, पलाश के फूल होता है, देखने में बड़ी सुंदर होता है, लेकिन उसके अंदर में कीड़ा रहते हैं, ऊपर अंदर कीड़े रहते हैं, लेकिन देखने में थोड़े सुंदर होते हैं। जो सूंघते हैं ना, तो जो कीड़े नासिका अंदर निकले जाते हैं, बस मरने का कारण बन जाते हैं। फिर उसी तरह जो संसार का जो ऊपर का जो रूप है, बड़ी सुहावना दिखते हैं ऊपर से, लेकिन भैया वो काल है। वो क्या है? वो काल है, एक दिन तुमको खा जाएगी, उसको तुमको एक दिन खा जाएगी। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, एक दुष्ट आशा की वशवर्ती होकर के, हैं गंदे आशा की वशवर्ती होकर के, ऐसे एक दुर्बुद्धि हमें आया है क्या, ये जगत का संगे हमारे भारी काज पड़ी गए छे। मतलब जो असली तुम्हारी काम भगवान की भक्ति है, जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम भगवान की सेवा करनी चाहिए, लेकिन अभी जीव क्या करता है, भगवान की सेवा को तो छोड़ दिया, जो असली काम तो छोड़ दिया, बस एक नकली काम को अपना काम समझ लिया है। माया को उनने पीछे कर दी, माया को उनने सामने कर दिया, और भगवान को उसने पीछे कर दिया, भगवान को पीछे और माया के सामने करके। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं क्या है, हमारे भारी काज पड़ी गए छे। उदाहरण गुरुदेव देते हैं, कुत्ते है ना, अब देखना जो पेशाब करने के लिए जाता है ना, बड़े तेज से भागता है, लगता है कोई अर्जेंट कोई टेलीग्राफ आ गया, लेकिन देखा भागते भागते जाए, कोई अर्जेंट टेलीग्राफ नहीं, तो खंभे के ऊपर टांग उचा कर पेशाब करके फिर दौड़ दिल जाएगा। अब कुत्ते को देखना कभी भी एक जगह पर खड़े हुए देखे, अब कभी भी कुत्ते को एक जगह पर खड़े हुए नहीं देखोगे, दिन भर बाद कोई अर्जेंट कोई टेलीग्राम आया, इसकी दिन भर भागता है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, हम भी ये दुनियादारी की माया में दिन भर भागते रहते, जैसे को अर्जेंट कोई टेलीग्राम। लेकिन श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, किसे रस संसार ये छाया बाजी प्राय, इहाते ममता तरी प्रीथा दीन जाय। कहते किसके संसार ये छाया बाद, छाया बाद मतलब ये लगता है जैसे, लेकिन ये जैसे माया है ये छाया मतलब झूठा है। कहते जिसमें तुम ममता करते हो, ये तुम्हारी दीन वृथा जाए। बोले गर्ग वेर मत हमी करी परिश्रम, कार लागिए तो करी ना बुझी लभ्रम। ऐसे गधा दिन भर गधा परिश्रम करता है, पीठ पर दाल चावल ले जाते हैं, खाते घुसा खाता है, कोई घास खाता है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं, जैसे हमारे बहुत बड़े काम पड़ गया, भैया तुम आए थे किस लिए, आए थे हरि भजन को, पोतन लगी के पास आए थे हरि भजन को। मातृ गर्भ से जब जीव आता है, जब कष्ट उठाता है, भगवान को पुकारता है, बोले प्रभु ये नरक से निकालो, बोले क्या करोगे, बोले मैं समझ गया संसार में कोई किसी की नहीं, झूठा संसार है, एक बार केवल निकाल दो, मैं कसम खाता हूँ उठते बैठते सोते तेरे नाम लूंगा, तेरे भजन करूंगा, भक्ति करूंगा, हम यही कसम खाते हैं। लेकिन इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, असली जो कसम खा कर का तो छोड़ दिया, लेकिन जो नहीं खा कर का, जिसको नहीं करने के लिए आया ना, कहते हमारे एमन एक दुर्बुद्धि हो चाहिए, हमारे ऐसे एक दुर्बुद्धि आ गया है। कहते कहते जगत रे संगे हमारे भारी काज पड़ी गए, मतलब बहुत जैसे जो काम नहीं उसको ही अपना काम समझ करके, बस उसमें ही हमने क्या करते हैं, उसमें ही हम फंस गए, प्रभु का भजन भजन को हम छोड़ दिया है। इसलिए कहते हो या हते दूर सारे पड़े हमारे ऐ रूप असुविधा होए छे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं क्या है, जो असली चीज है भगवान है, चुके हम उससे दूर हो गए, ठाकुर जी से दूर होने का नाते इस संसार में जितने घमला, अगर ठाकुर के चरण में चली जाए, ठाकुर के सेवा में लग जाए, बस सारी असुविधा तुम्हारी खत्म हो जाएगी। बोले चोरा बालीर ऊपर पा दिले जेवन पा बस जाए, से रूप ऊपर निर्भर करे अमदर डूबे जाची। एक अच्छे एक उदाहरण दिया है, कभी कभी होता है जो रेती है ना, उस पर नीचे पानी बहता है, पानी बहता है, लेकिन उसको ऊपर में ना रेती रेती होता है, वो सोचता है शायद रेती होगा, लेकिन जब ऊपर चलता है उसको पानी, नीचे पानी बह रही है, एक नदी भी है और फल्गु नदी है, ऊपर नीचे पानी बह रही है, लेकिन ऊपर से क्या लगता है जैसे ये रहती रहती, जब उसको अंदर में जाता है ना, बस धीरे 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 डूब जाता है, जैसे हाथी होता है ना ऊपर में, जैसे
कभी देखना कोई कोई सूख जाता है, कोई तालाब उसके नीचे दलदल में कीचड़ है लेकिन ऊपर थोड़ा सूखा हुआ लगता है, लेकिन जो चले ना बाहर उसमें फंस जाता, निकल नहीं पाता। क्या तो वो माया थी, वैसे ही माया है। ऊपर में क्या लगता है जैसे रहते रहते बढ़िया बढ़िया, बस उसके अंदर में गए, उसके अंदर में ही डूब गए, उसके अंदर में डूब गए, उसके अंदर में। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं इसलिए हमें भगवत अनुभूति नहीं हो रहा है, भगवत अनुभूति, क्योंकि मन एक है, मन दो नहीं। कहते ना उधर मन ना भयो 10 20, एक मन सो गए श्याम संगे को आराधे। मन तो 10 20 है नहीं, ये मन को माया में दो नहीं तो ये मन को भगवान में दो। लेकिन माया भी इतने शक्ति है, मन अगर एक बार उधर चला गया ना, ना दिन भर उठते बैठते वही चिंतन करते, दिमाग में और कोई चिंता ही नहीं आएगा, प्रभु का क्या चिंता करोगे, मन तो एक ही, मन तो 10 20 है ही है, एक मन तो कहीं एक को दोगे ना, माया को दिया तो भगवान को फिर क्या दोगे। इसलिए हम लोग को सावधान होकर क्या करनी चाहिए, भैया ऊपर लगता है जैसे रहती रहती है लेकिन रहती नहीं, वो अंदर में पानी है, डूब जाएंगे उसमें, उसमें माया में डूब जाओगे। इसलिए प्रभुपाद के सावधान है, साधु सावधान, किसको सावधान करते हैं, वो साधु को ही सावधान कर रहे हैं और दूसरे को साधु सावधान नहीं कर रहे। जो माया में फंसे हुए तो माया में फंसे हुए हो, लेकिन जो भजन करना चाहते हैं, भक्ति करने के लिए आए हैं, उनको सावधान कर रहे हैं, भैया भजन करने के लिए आए हो, अपना परिवार भाई बंधु परिवार को सबको तुमने धोखे दे करके। इसलिए गुरुदेव एक ब्रह्मचारी को बोल रहे थे, हैं बोल रहे थे अपना पिता माता को धोखे दिया, क्यों भजन करने के लिए, हम भजन करने के लिए मठ में जा रहे, परिवार की सेवा करना चाहिए था, पिता माता की सेवा करना चाहिए था कि चाहे था, तुम उनको भी धोखे दिए और मंदिर में आकर गुरु वैष्णव भगवान को भी धोखे दे रहे, इनको भी धोखे में डाल रहे हो, गुरुदेव कहते थे। इसलिए गुरुदेव कहते थे एक निष्ठ होकर की, एक मन होकर के इधर उधर मन को मत दिया करो, गुरुदेव कहते भगवान गुरु वैष्णव को दो, नहीं तो सारे को जो तुमने छोड़ करके आया ना, जो धोखे दे करके उसका दंड तुमको मिलेगा, क्योंकि उनको तुमने धोखे दिए, सेवा नहीं किया, करना चाहिए भगवान की सेवा की तुमने बहाना बनाया, हम साधु बनने के लिए जा रहे, और यहाँ पर साधु बनने के लिए स्वादु बन गया तुमने, हैं साधु तो बन गया स्वादु बन गया है। इसलिए गुरुदेव कहते भैया साधु सावधान, भजन के लिए आए तो इधर उधर मन को मत दिया करो, नहीं तो एकनिष्ठ होकर के भगवान की भजन में ही अपना मन को दो है, कहते हैं। इसलिए हमारे भक्तमणि ठाकुर कहते हैं अंदर का भाव गोरा बुझे केमन दिवे फांकी है, कहते ऊपर में तिलक माला धारण कर लिया, महाप्रभु को फांकी दे सकते हो, कहते भगवान को क्या फांक, तुम ठग सकते हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में वो बैठे हैं ना, तुम दूसरों को ठग सकते हो नहीं, गुरुदेव क्या जानते हैं, वैष्णव लोग क्या जानते हैं, हम तो अंदर में कुछ कर रहे हैं, भैया भगवान को ठग नहीं सकते, वो सब तुम्हारे हृदय में बैठ करके सारे तुम्हारे चित्तवृत्त को देख रहे हैं, इसलिए चित्तवृत्त को तुम्हारी वो देख रहे हैं, उनको ठग नहीं सकते हो, वो सारे अंदर में बैठे हुए हैं, हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, भजन करने के लिए आकर के अंदर अंदर में क्या करते हैं, ये जो स्मार्टफोन है ना इतने गंदी चीज है, ये सबको बिगाड़े, साधु को बिगाड़ रहे हैं और साधारण लोग भी बिगाड़ रहे हैं, सारा दुनिया को ये सबको बिगाड़ रहे हैं, ये स्मार्टफोन है, फोन नहीं होता है ना, ये भक्ति में नहीं, पहले सबके पास फोन थोड़ी होता था, वो भजन हो जाता था, ये फोन आकर के इतने गड़बड़ी कर दिया, साधुओं का जीवन को भी चौपड़ कर रहा है, ये साधुओं का जीवन को भी चौपड़ कर रहा है। इसलिए हम लोगों को इसलिए भजन करना तो ये सब चीज को कहते दो तलवार की धार, दो धार की तलवार ही स्मार्टफोन है, अगर इसमें तुम भगवान की कथा गुरु जी का लेक्चर सुन सकते हो, उसमें भगवान की कथा और लड़की को साथ में संबंध भी कर सकते, ये दो चीज है, ये दो तलवार की धार की तलवार। इसलिए हमारे परमेश्वर प्रभु वृंदावन में ब्रह्मचर्य स्मार्टफोन को और नहीं रख सकते, स्मार्टफोन जमा कर, और कोई विशेष काम है थोड़ी समय के लिए लो लेकर ये कर, नहीं तो ये कर, नहीं तो भजन करने के लिए आए और दिन भर उसमें लगे, उसमें दिन दिन भर वही भजन हो गया तुम्हारे जीवन का, वही भजन हो गया। इसलिए साधु सावधान, इसलिए भजन करने के लिए आए तो हमें गुरु वैष्णव भगवान को नहीं ठगनी चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे कहीं गुरुदेव कहते थे जैसे तुम्हारे कहीं फोड़ा हो गया ना, ऐसी जगह पर तुम्हारी फोड़ा हो गया अंदर में, गुरुदेव कहते थे
अगर डॉक्टर के पास में अगर वो छुपाओगे, तुम्हारी कहीं फोड़ा है, क्या होगा? वो फोड़ा गलते 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 तुमको ही खत्म कर देगा, तुम्हें ही खत्म कर देगा वो फोड़ा। इसलिए कहीं अगर गुप्त स्थान में तुम्हारी फोड़ा हो गया तो बस डॉक्टर को बोल करके फोड़ा को दवा देकर सही कर लो, नहीं तो फोड़ा ही तुम्हारी प्राण ले लेगी। हैं, इसलिए अगर हमारे अंदर में कोई फोड़ा हो गया इधर उधर, क्या करनी चाहिए? गुरु वैष्णव के साथ में बोल करके बात को, हमारी ऐसे दृष्टि की बोल करके क्या करो, फोड़े को सही कर लो, नहीं तो धीरे धीरे मृत्यु का कारण वही फोड़ा तुम्हारी मृत्यु का कारण बन जाएगी फोड़ा। है, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, हाँ, चोरा बाली रूप पर, हाँ, जैसे उस रेती के ऊपर जैसे प्यार देने पर क्या होगा, धीरे धीरे तुम डूब डूब जाओगे, उसी तरह ऊपर में दिखता है अच्छा है बढ़िया है, लेकिन अंदर में एक दिन डूब जाओगे। इसलिए हमारा कृष्ण मुखी ना होए, दुष्टा सा विशिष्ट है, बहिर्मुख चेष्टा द्वारा समय काटाची। कहते हमें भगवत अनुभूति नहीं होने का कारण क्या? बोले कारण है, हम लोग कृष्ण उन्मुख ही नहीं हो करके, दुष्ट दुष्टा सय विशिष्ट हो करके हैं, हमारे दुष्ट आशय मतलब दुष्ट भावना में हम बसीभूत हो करके, भक्ति की उन्मुख ही नहीं होकर दुष्ट भावना में हम क्या कर रहे, बहिर्मुख हो करके हम क्या कर रहे हैं, अपना समय को उसी में ही बिता रहे हैं, प्रभु की भक्ति में नहीं बिता रहे हैं, दुष्ट वृत्ति को द्वारा उसी में ही समय को बिता रहे। इसलिए क्या हो रहे हैं, भगवत अनुभूति हमें नहीं हो रही है। इसलिए विष्णु माया आमा दिग के भोगी वा कर्मवीर करे आवत कर दीछे। लेकिन जो भगवान की जो माया है ना, कहते हैं माया दो माया है, कहते हैं कि जोग माया एक है, महामाया है। कहते हैं जोग माया क्या करती, हमें भगवान के साथ में जोड़ देती है, और ये महामाया क्या करती है, ये माया के संसार में हमें डाल देती है। लेकिन जब कृष्ण उन्मुख जीव होता है, ये जोग माया रूप में हमें भगवान की तरफ नहीं बढ़ा रहे, भगवान की तरफ पहुंचा रहे। लेकिन जब कृष्ण से विमुख हो जाते हैं ना, तो ये महामाया काम करती है, महामाया काम। इसलिए कहते जो विष्णु माया हम लोग क्या कर रहे हैं, कहते हमें भोगी बना करके और कर्मवीर बना करके क्या कर रहा है, हमें संसार में हमें आबद्ध कर रहा है, माया में हमें आबद्ध कर रहा है। इसलिए सुतरां, इसलिए कहते आमरा खुश खूब सावधान हव। प्रभुपाद कहते हैं अगर हमें भक्ति करना चाहते हो सावधान होकर है, इसलिए हर जगह पे सावधान 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 कहते हैं। मतलब क्या, जैसे हर समय हमारे मन चित्त वृत्ति भगवान की सेवा में जैसे हर समय लग सके, ठाकुर की सेवा में जैसे लग सके उसको हर समय। इसलिए बोले खुरस धारा निशीत दुरतया दुर्गम पथस्तत कवयो वदन्ति। कहते कभी लोग क्या कहते हैं, जो भक्ति मार गए ना, जैसे ब्लेड जैसे ये करते ना सेव करते हैं हम लोग, अगर इधर उधर होगा तो क्या होगा, मुंह कट जाता है, कट जाता है कि नहीं? कहते भक्ति के मार्ग में ठीक वैसे है, जब भक्ति मार्ग पर चल रहे हो सावधान होकर चलनी चाहिए, हमें विचार करनी चाहिए, ऐसे कोई काम हमें नहीं करे जो हमारी मन चित्त वृत्ति कहीं गलती चीज में जाए, है कोई गलती चीज से जाए, गुरु वैष्णव की सेवा को छोड़ करके हमारी मन, और ये चीज को अच्छी तरह से सावधान होकर के चलनी चाहिए, हम है सावधान होकर के चलनी चाहिए। इसलिए साधु सावधान साधु सावधान साधु के सावधान करते, हर काम में ये चीज को हमें लक्ष्य करनी चाहिए, कहीं हम गलत दिशा पर तो नहीं चल रहे हैं, गुरु वैष्णव की सेवा को छोड़ करके कृष्ण उन्मुख पथ को छोड़ करके हमारी दिशा तो कहीं गलत रास्ता पर नहीं जा रहे थे, हैं? ये सब चीज को हमें सावधानी पूर्वक विचार करनी चाहिए, हैं? इसलिए विचार करनी चाहिए, इसलिए क्या करनी, इसलिए हमारा खूब सावधान हो करके। प्रभुपाद कहते हैं 84 लक्ष जीवन में ये जीवन मिला, ये जीवन नहीं ये मुक्ति का दरवाजा है, 84 लक्ष जोड़ी भ्रमण करते करते मुक्ति के द्वार, मतलब इसी जीवन में प्रभु की भक्ति करके संसार से पार हो सकते हो। लेकिन ऐसे नहीं, जिस जीवन को हम प्रभु का भक्ति से पार हो सकते हैं, ये जीवन तो कहीं बर्बाद नहीं जा रहे हैं हमारे, जहाँ आसक्ति होनी चाहिए वहां आसक्ति नहीं, वर्ग हमारा गलत तो कहीं आसक्ति नहीं हो रही, हम तो प्रभु की भजन की छोड़ कर कहीं गंदी चीज में तो आसक्ति धीरे धीरे, ये सब चीज को जो साधक को बना अच्छे तरह से सब चीज को विचार करनी चाहिए। हमारे प्रति पद विखे नियामक अर्थात गुरुपाद पद मेरे अनुगत विशेष प्रयोजनीय। इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, प्रभुपाद कहते हैं
नियामक है कहते गुरुपाद पद अनुगत विशेष प्रयोजन। हम लोग क्या चाहिए, जब एक पैर को आगे फेंको, जैसे एक पैर चलो है, तो सावधान होकर के चलो है। सावधान मतलब क्या है, हमें गुरु वैष्णव की अनुगति हमें चाहिए, अनुगत विहीन होकर के हमें नहीं चलनी चाहिए। कोई भी काम करो गुरु वैष्णव को बोल करके काम करो। हम ये काम कर रहे हैं गुरु जी, ये ठीक या गलत है, गुरुदेव को पूछे। गुरुदेव है, गुरुदेव साक्षात है, उनको बिना पूछे कहीं काम करना शुरू कर दिया तुमने, इधर उधर करना शुरू कर दिया। गुरुदेव है लेकिन गुरुदेव को पूछे ही नहीं। इसलिए प्रभुपाद का समय में कोई एक शिष्य ने क्या किया, प्रभुपाद का कोई के सन्यासी को साथ में प्रचार करने के लिए गए। प्रचार करने के लिए गए तो देखा बद्रीनाथ पास में, तो सन्यासी ने क्या किया, बोले थोड़ा बद्रीनाथ दर्शन करके आ जाता। लेकिन उन्होंने गुरु जी का आदेश नहीं किया, वो गया था भिक्षा के लिए, प्रचार के लिए, और उनको साथ में जो सेवक बोले तुम लोग चले जाओ, हाँ तुम लोग चले जाओ, हम बद्रीनाथ जा रहे हैं। वो गया बद्रीनाथ दर्शन दर्शन करके आएगा। जो दूसरे सेवक लोग आए बोले वो सन्यासी गया कहाँ, बोले वो गए बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए, हम लोगों को भेज दिया। तो प्रभुपाद चुप हो गए, गुरुदेव चुप हो गए। उन्होंने जो वापस आए बोले बद्रीनाथ दर्शन हो गया, ठाकुर तुम्हें दर्शन दे दिया, क्योंकि ठाकुर का दर्शन करते क्या होगा, पर संसार में जन्म मृत्यु नहीं होता है, संसार में जन्म मृत्यु से निकल जाओगे हैं क्या, ठाकुर बद्रीनाथ दर्शन हो गया तुमको, ठाकुर दर्शन दे दिया है, बिना गुरु जी के आदेश में तुम गए, बद्रीनाथ दर्शन हो गया। वो सन्यासी तो था ना, सन्यासी ड्रेस को उतार देख लो, सन्यासी ड्रेस होता ये सफेद के बड़ा पहन, अभी तो सन्यासी बनने का लायक नहीं, उतार दिया उनको। फिर उन्होंने अपना गलती को स्वीकार किया, सफेद कपड़ा में कुछ दिन रहे, रह करके जब प्रभुपाद ने देखा नहीं ये चीज को समझा, स्वीकार किया शासन को, दीनहीन होकर के रहे, प्रभुपाद की माफी मांगे, गुरु जी मेरी गलती हो गई है, मैंने काम किया आपको बिना पूछे, इसलिए गुरुदेव मेरे को माफ कर दो है, गुरुदेव मेरे को माफ कर दो। इसलिए फिर प्रभुपाद ने दो बार सन्यास दिया। इसलिए गुरुदेव यहाँ पर है, कम से कम कोई काम करो बिना पूछे नहीं करनी चाहिए, फिर हम धीरे धीरे ना स्वतंत्रता हो जाएगी, स्वतंत्रता होकर थोड़ी छोटी छोटी गलती करते 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 बड़ी बड़ी गलती में फिर हाथ लगाए, बड़ी बड़ी गलतियां हमसे फिर हो जाती, फिर भक्ति भक्ति फिर हमारी छूट जाती है। इसलिए जहाँ गुरुदेव है कम से कम पूछ करके हर काम करनी चाहिए। हमारे एक समय भक्ति वेदन नारायण गोस्वामी मथुरा में, मथुरा में थे, तो हम कैसे नाम नहीं लेंगे, एक ने किया गया, एक कोई व्यक्ति था ब्रह्मचारी में, उनको गुरुदेव रहते समय उन्होंने उनने बोले हम चलो नाथद्वार में, कुछ भक्त जा रहे थे, बोले नाथद्वार दर्शन करके, नाथद्वार में श्रीनाथ है ना, श्रीनाथ जी चलो दर्शन करके आ जाए। तो वो ब्रह्मचारी ने बोले गुरुदेव है, बोले कोई चिंता मत करो, मैं गुरु जी को मैं समझा दूंगा, क्यों गुरुदेव उनकी बात सुनते थे, गुरुदेव उनकी बात सुनते थे, जो बोलते थे गुरुदेव वो करते थे, बस सुनते थे, और बड़े थे मंदिर, लेकिन गुरुदेव को बिना बोले चले गए नाथद्वार चले गए। तो गुरुदेव ने पूछा बोले अमुक ब्रह्मचारी कहाँ गए, तो किसी ब्रह्मचारी के साथ में तो चले गए नाथद्वार दर्शन करने के। तो महाराज इतने बिगड़े, इतने महाराज बिगड़े, बोले मैं यहाँ पर हूँ और बिना मेरे को पूछे नाथद्वार के दर्शन दिए, गुरु जी के आदेश का कृपा के बगैर भगवान दर्शन दे देंगे, भगवान उसको दर्शन दे देंगे उसको, भगवान भगवान ये जड़ नेत्र से ठाकुर का दर्शन मिलता है। जब आए तो गुरुदेव उनको बुलाए, नाथद्वार तो बहुत 2-3 दिन बाद में आए, गुरुदेव उसको बुलाए, बोले इधर आ, बोले किसकी आदेश लेकर के तुम्हें यहाँ से गया था, मैं यहाँ पर हूँ मेरे को बोल कर गया। तो वो जो जिस ब्रह्मचारी उनको ले गया था, गुरुदेव की बात सुनते थे, सब सेवा करते थे, उन्होंने आकर बोले गुरुदेव मैंने उसको ले गया था, बोले कोई बात नहीं गुरुदेव समझा दो, गुरुदेव उनको ऊपर इतने बिगड़े, बोले अभी से तुम इतनी स्वतंत्रता बन गए, मंदिर की सेवा करते हो मतलब गुरुदेव यहाँ पर है, गुरुदेव को पूछते तो कोई दिक्कत रहता है, गुरुदेव मैं मना करता तुमको जाने के लिए, मना तो नहीं करता ना, कम से कम गुरुदेव को पूछ करके तो जानी चाहिए, अगर गुरु जी की अवमानना करके भगवान के पास में जाऊंगा ना, भगवान ही वो मंदिर छोड़कर चले जाएंगे, भगवान ही वो मंदिर छोड़कर चले जाएंगे, भगवान भी वो मंदिर में नहीं रहेंगे। इसलिए कम से कम जब कोई काम करो गुरुदेव को पूछ करके कोई भी काम करनी चाहिए, बिना पूछे नहीं, अगर कहीं नहीं है कोई है तो ठीक है, नहीं तब भी कोई फोन करके विशेष काम के लिए फोन करके पूछो, नहीं तो क्या होगा सुई भर कर जाएगा,
धीरे 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 गुरुदेव का बेटे अवज्ञा होते होते थे ना, बड़े अवज्ञा कर बैठे, अरे भक्ति भक्ति से जिर गाल लिए हम चुत तो हो जाएंगे हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, इसलिए कहते हैं यहाँ पर सावधान, हमारे प्रति प्रति पथ विक्षेपे है, जब एक कदम हम आगे बढ़ते हैं, बोले गुरु पाद पद्म का अनुगत्य प्रयोजनिया है, क्या करनी चाहिए, गुरु वैष्णव की अनुगत्य में हमें हर चीज करनी चाहिए। बोले भगवत सेवा अपेक्षा भक्त सेवा अधिक मंगल प्रदा, कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा से ही जो भक्त सेवा है का ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्तों का हृदय में भगवान की निवास, किसका हृदय में, भक्तों का हृदय में ही भगवान का निवास है, हैं? इसके भक्त अगर संतुष्ट हो गए क्या होगा, भगवान अपने आप खुश हो जाते हैं। इसलिए भगवत संग अपेक्षा भक्त संग द्वारा जीवन बेसी उपकार है। यहाँ पर कह रहे हैं कद भगवान की संग से कद भक्त संग से ज्यादा हमारी लाभदायी, क्यों, ठाकुर तो कुछ हम तो बोलेंगे नहीं, ठाकुर कुछ बात करते हैं, कुछ ठाकुर जी बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते, कौन बोलते, भक्त बोलते हैं। इसलिए ध्रुव जी को जो भगवान दर्शन दे दिया, बोले ध्रुव वर्मा जो कहते हैं, बोले भक्त मुह प्रभ काम तोय में प्रसंग है, भुआ दनंत महता ममला सयानम, हे प्रभु हमें भक्तों का संग दो। बोले क्यों, मैं तो दर्शन दे दिया, बोले आप थोड़ी आपकी कथा सुनाओगे, अब के भक्त संग करेंगे तो उनको मुंह से जो निकली हुई कथा अमृत अमृत द्रुति जो मंडा दी गंगा रहती है, अगर हम उसमें डुबकी लगाते रहेंगे तो ये मन क्या होगा, भक्त संग करेंगे तो अपने आप ये मन भगवान के चरण में लगा रहेगा, मन भगवत चरण में लगा रहेगा, इसलिए हमें भक्तों का संग दो। इसलिए कहते भगवान रे स्थान अपेक्षा भक्त रे स्थान और गुरु गृह शुद्ध भजन रे अधिकतर अनुकूल। कहते भगवान के स्थान से भी जहाँ पर ठाकुर जी रहते हैं, जहाँ पर भगवान की निवास है, लेकिन जहाँ पर भक्त रह रहे हैं, एक जगह पर भगवान रह रहे हैं और एक जगह पर कौन रहे हैं, भक्त रह रहे हैं, हैं? कहते गुरु गृह शुद्ध भजन रे अधिकतर अनुकूल, लेकिन ज्यादा हमें अनुकूल कहाँ पर मिलेगा, बोले जहाँ पर भगवान की भक्त निवास है वहां पर ज्यादा हमें अनुकूल। क्यों, कारण क्या, जो भक्त लोग हर समय शांति अभ्यर्थता लतम विरक्ति मान शून्यता आशा बंध समुत्कंठ हर समय क्या करते, भक्त भगवान के नाम कीर्तन भजन हर समय करते रहते हैं, जब उनको साथ में रहेंगे, जैसे देखो यहाँ पर भक्त लोग रह रहे हैं, भक्त लोग रह रहे, हम बैठ करके मंगल आरती किया, तुलसी परिक्रमा किया, जय ध्वनि किया, फिर भगवान की कथा सुन रहे हैं, अगर भगवान को पास में रहते तो भगवान हमें कथा सुनाते, भगवान कथा सुनाते क्या, कथा नहीं सुनाते, लेकिन जो भक्तों का संग में रहते हैं क्या होता है, वो हर समय हमें भगवत कथा में हमें नियुक्त करके रखते हैं, और जैसे देखना जैसे हम सुनते हैं ना मन ठीक वैसे ही मन चिंतन करता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि तो भगवान स्थान से भी शुद्ध भक्तों का जो स्थान जहाँ रहते हैं वहाँ भक्ति की ज्यादा ये अनुकूल है। जथा है वैष्णव गण सही स्थान वृंदावन, ये सब कथा बोली भालो करे बुझा दरकार। इसलिए भक्तगण ठाकुर कहते हैं जथा है वैष्णव गण सही स्थान वृंदावन, वृंदावन कहाँ पर है, गिरिराज गोवर्धन कहाँ पर है, जहाँ पर भक्त है। जथा साधु तथा तीर्थ स्थिर कर निज चित साधु संग कर निरंतर, जिस स्थान वैष्णव नाई से स्थान पर नाई जाए किला हटिया दूरदेश, भक्तगण ठाकुर कहते हैं जहाँ पर वैष्णव वहीं पर गिरिराज वहीं पर वृंदावन वहीं पर राधा कुंड श्याम कुंड है, जहाँ पर भक्तों का संग हरि कथा, और जहाँ पर वैष्णव लोग नहीं है तत्व स्थान हमें नहीं जानी चाहिए, क्या लाभ है इतना दूर चल करके, क्या लाभ, कोई लाभ नहीं, इसलिए मैंने है वैष्णव का संग है। ये कथा बोली हमें अच्छा तरह से समझना दरकार, ता ना हेले हमारा यदि गुरु सेवा है उदासीन हई ताहले सेवक होते पारलाम ना अहंकारी हो गलाम बहिर्मुख जगत चिंता स्रोते आमद थो। अभी क्या होगा, अगर हमने गुरु जी की संगत छोड़ करके वैष्णव का संगत छोड़ करके अगर कहीं सोचेंगे अकेला कहते भजन कर, नहीं तो अकेले कहीं ठाकुर का सेवा कर लेंगे, हैं कर लेंगे ठाकुर जी की, तब यहाँ पर कह रहे हैं फिर क्या होगा, फिर हम क्या होगा, फिर भक्त संग छूट जाएगा, वैष्णव संग छूट जाएगा, हरि कथा छूट जाएगी, छूट जाएगी तो क्या होगा, फिर हमारे अंदर में अहंकार आ जाएगा, अरे हम क्या था अभी क्या हो गया, अहंकार आ जाएगा, अरे हम क्या था अभी क्या बन गया, उस समय अहंकार आ जाएगा,
हमारे अंदर में अभिमान आ जाएगा, अहंकार वही लाभ। बहिर जगत रे चिंता स्रोत ही आभरण का लाभ क्या होगा, बहिर जगत को चिंता के जो स्रोत है उसमें ही दिमाग डूबा रहेगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं ज्यादा हमारा लाभदायक इसमें भक्तों का संघ से, गुरु वैष्णव का संघ से ही हमारी ज्यादा लाभ। क्यों, अगर हम कोई गलत काम करते हैं फिर गुरु वैष्णव हमें बोल रहे बेटा ये नहीं करनी चाहिए, ये करो, ये गलती, ये सही है, वैष्णव लोग बोल लेंगे फिर नहीं क्या होगा, फिर कोई बोलने वाला नहीं होगा, तो फिर तो हम धीरे 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 गलत काम को भी सही काम करना शुरू कर सोचना शुरू कर देंगे, हैं, फिर उसमें हमारी उन्नत नहीं होगा, फिर उसमें पतन होगा। इसलिए राधा गोविंद मेरे पाद पद मेरे सेवार कथा व्यतीत तो आर बड़ो कथा नाई। जगत में सबसे बड़ा कथा क्या है, मतलब बड़ा कथा है भगवान की सेवा है, ठाकुर जी की सेवा व्यतीत हो, ठाकुर की भक्ति व्यतीत हो, है कहते जगत में और बड़ा जगत में कोई चीज नहीं। अगर जगत में सबसे बड़ा चीज क्या है, भगवान की कथा, हरि चर्चा, हरि नाम, भगवान की कीर्तन, ही जगत में सबसे बड़ी चीज, इससे बढ़िया चीज जगत में कुछ नहीं। जैसे राजेंद्र रोज भागवत कथा कर रहे हैं, बोले क्यों कथा करा रहा है, हरि कथा हो, हरि चर्चा हो, भागवत कथा, भगवान की कथा हो, है कहते इससे बड़ा दुनिया में कोई चीज है नहीं। सुतर हम अधोक्ष सेवा वंचित हो जाते, अध्यक्ष जो है ना पड़ी ताजे ने सर्वगण हरि कथा श्रवण तकरा दरकार। इसलिए क्या है कहते हैं सुतर हम अध्यक्ष सेवा वंचित हो जाते, अध्यक्ष जो है ना पड़ी, भगवान का एक नाम है अध्यक्ष, अध्यक्ष मतलब अध मतलब नीचे, अख्य मतलब जड़ ज्ञान, जड़ ज्ञान को जो नीचे करके उसको ऊपर जो विद्यमान कौन है, ये भगवान, ये ठाकुर जी है। इसलिए कहते हैं सुतराम अध्यक्ष से सेवा वंचित, ऐसे भगवान की सेवा से वंचित हो करके अध्यक्ष को ना हो पड़ी। अध्यक्ष मतलब जड़ इंद्रिय के अधीन है, कि जड़ जगत का अधीन नहीं हो जाए। इसलिए क्या करनी चाहिए, सर्वक्षण हरि कथा श्रवण करा दरकार, हर समय अगर हम भगवान की कथा कीर्तन हर समय करते हैं फिर तो हमें ये माया हमें कुछ भी नहीं कर सकता है। हरि भजन प्रति हमारे तीव्र दृष्टि रखा आवश्यक, कहता हमारी जो तीव्र दृष्टि किस में नजर रखनी चाहिए, हमें किस चीज में हमें तीव्र दृष्टि, हरि भजन, हरि भजन तो हरि सेवा है, हमारे हरि की भगवान की सेवा हो रही कि नहीं, भगवान की भक्ति हमारी नहीं हो रही कि नहीं। इसलिए हर चीज में हमें कोई भी काम करे वो काम में हम विचार करेंगे इसको द्वारा ठाकुर को सेवा हो रही कि नहीं, भगवान की भक्ति नहीं हो रही कि नहीं, इसमें जो भगवान की भक्ति तो नहीं हो रही थी, हमारी चित्तवृत्ति तो और कहीं नहीं जा रही, इस चीज को हमें अच्छे तरह से तीव्र दृष्टि रखनी चाहिए। कारण अनेक जन्म कटे गए छे अन्यान्य कार्य, मेरे कारण क्या बोले, कारण है हमारे कितने जीवन अभी तक आया है, कितने जीवन हमारे गया है, करोड़ों करोड़ जीवन गया हम, लेकिन प्रभु के भजन वगैरह हमारे जीवन व्यतीत हो गया, प्रभु की भक्ति के वगैरह जीवन हमारी नष्ट हो गया भैया। इस बार जैसे हमें गुरु वैष्णव का संग मिला ये जीवन जैसे हमारी नष्ट नहीं हो, ये जीवन सचमुच से प्रभु के भजन में लग जाए है। इसलिए यही जन्म ही जाते सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन नाम है, इसलिए जैसे इसी जीवन में जो सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन भगवत प्रेम हो, भगवत भक्ति, जैसे एक ही लक्ष्य जीवन में हो कैसे भगवत भक्ति कैसे ये जीवन में हमें प्राप्त हो, केवल तो एक लक्ष्य हमारी रहनी चाहिए, तद विषय सर्वक्षण सतर्क हवे। इसलिए हमारे हर समय लक्ष्य क्या करनी चाहिए, एक ही लक्ष्य है कैवल्य अख्यम प्रेम, केवल एक है भगवत प्रेम ही हमारे जीवन का लक्ष्य, ये जीवन में हमारी और कोई लक्ष्य नहीं। खूब सावधान है आदर और प्रीति सहित सर्वक्षण गुरु कृष्ण रे सेवा कर ले भगवत अनुभूति है रे। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या था, हमें भगवत अनुभूति क्यों नहीं हो रही, प्रश्न यही था है, इसका उत्तर देते हैं हमें खूब सावधान होकर के क्या करनी चाहिए, सादर और प्रीति सहित आदर को साथ में और प्रीति को साथ में हर समय गुरुदेवा का सेवा, गुरु जी की सेवा, वैष्णव की सेवा व भगवत सेवा जैसे हो, अगर इसी में अगर हर समय कोई तत्पर रहे, हर काम में विचार कर इसमें गुरु जी के आदेश, गुरु जी की सेवा, ठाकुर को सेवा हो रही कि नहीं, अगर उसमें हर समय अगर हम डूबे रहेंगे तो जरूर एक दिन में भगवत अनुभूति
उड़ाही, ये प्रभुपाद का उत्तर है। अगर इसी जीव में अपना जीवन में अगर उतार दिया तो एक दिन हम जरूर भगवत प्रेम, भगवत दर्शन, भगवत प्राप्ति हमें जरूर होगा। देखो ये प्रभुपाद का जो उपदेश है, अब तो सुने हो कितने कठोर पूर्वक वो कह रहे हैं। दूसरे चीज का प्रति नजर छोड़ो, एक नजर हो, समय हमारे दिखता तो जा नहीं रहा है, सावधान हो जाओ। हर बात बात में इस सब चीज को बताते हैं, इसलिए साधु सावधान, इसलिए हमें सावधान होकर के हमें भगवान भजन कीर्तन हमें करनी चाहिए। समय जैसे नष्ट नहीं हो, है एक श्वास गया तो करोड़ों कोई ने धीरा देने पर भी एक श्वास को हम वापस नहीं ला सकते हैं। हमारे श्वास श्वास में भगवत सेवा, भगवत नाम, गुरु वैष्णव की सेवा हमारे श्वास श्वास में बननी चाहिए। ठीक है, लगान चाकल रहस्य कृपा सिंधु भाई बचो पतितानंद पावने भो वैष्णव भो नमो नमो गौर प्रेमानंदे हरि हरि हम लोग सदर।